राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी का खेतड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खेतड़ी सीमा पर पहुंचने पर जिला महामंत्री गोकुल चंद सैनी, पूर्व चेयरमैन सीताराम कुमार, भाजपा नेता उमेश सिंह निर्वाण सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बबाई से स्वागत समारोह प्रारंभ होने के बाद सैकड़ों तोरण द्वारों के साथ खेतड़ी तक पहुंचे। इस दौरान खेतड़ी शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। नगरपालिका के सामने बैंड बाजे के साथ चेयरमैन उमराम कुमावत व डॉक्टर पारस वर्मा ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने बताया इस झील का पुनर्द्वार करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि राजस्थान की परंपरा एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस की इस मिथकता को तोड़ते हुए भारी बहुमत से राजस्थान में भाजपा की पुनः सरकार बनेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बना ली गई। इस दौरान स्वागत समारोह के दौरान खेतड़ी शहर में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हूँ कि खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के कारण से। कॉपर प्रोजेक्ट में कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके कारण से जो दूसरे उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय है, वो भी प्रभावित हुआ है। राज्यसभा में जाने के बाद मैं यहाँ की सारी स्थितियों को समझूंगा और समझकर वहाँ माइंस मिनिस्टर से या इंडस्ट्री मिनिस्टर से, लेबर मिनिस्टर से, जहाँ भी यहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़े, यहाँ की व्यवस्था में ज़्यादा अच्छा सुधार हो, इस ओर मैं प्रयास करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी खेतड़ी के लिए। और ये भी लग रहा है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये जो सरकार आने का जो सिस्टम चला है, इसको तोड़ेंगे। बस तोड़ेंगे।